हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमारे पास जो डाइपोल है वो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वहाँ पे उसको टॉर्क एक्सपीरियंस होती है। ये जो हमारी टॉर्क एक्सपीरियंस होती है ये हम डिनोट करेंगे टाउ से। तो फॉर्मूला हमारे पास आएगा पी ई साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो P मेरे पास क्या है, ये होती है डाइपोल मोमेंट जो कि इक्वल होती है P इज इक्वल टू Q इंटू टू ए। तो स्टूडेंट्स, अगर ये मेरे पास डाइपोल है, यहाँ पे चार्जेस हैं, तो ये इसका सेंटर है O, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 2A। तो 2A इज द टोटल डिस्टेंस, Q हमारे पास चार्जेस है, ठीक है, टाउ इज द टॉर्क, P इज द डाइपोल मोमेंट, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेरिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मीन्स P इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पर माइनस 9 कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री थीटा है 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि है ई इज इक्वल टू मेरे पास है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो स्टूडेंट्स टाउ निकालना, सिंपल फार्मूला टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा। पी है मेरे पास 4 × 10⁻⁹, ई है मेरे पास 5 × 10⁴ इंटू साइन ऑफ थीटा मीन्स 30। तो ये 5 × 20⁻⁴ यहाँ पे हो गया माइनस 9 प्लस 4 ये हो गया 2। तो ये 10 × 10⁻⁵ जो कि हो गया 10⁻⁴ न्यूटन मीटर टॉर्क। तो टॉर्क का यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास था स्टूडेंट्स फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड, द इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री, थीटा है 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁴ न्यूटन पर कूलम एक्सपीरियंस अ टॉर्क। टॉर्क कितनी 9 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर टॉर्क। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट, पी निकालना है। तो पी इज इक्वल्स टू टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। तो पी निकालना हमने टाउ अपॉन ई साइन थीटा। टाउ है मेरे पास 9 × 10⁻⁶ इंटू बाय ई ई 10⁴ इंटू साइन 30 डिग्री। तो ये आ गया 9 × 10⁻⁶ माइनस 4 साइन 30 होता है मेरे पास 1/2। ठीक है, तो 18 × 10⁻²० ये मेरे पास माइनस था, ऊपर जाके प्लस हो गया, ये आ गया माइनस 30 P। ठीक है, तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है कूलम मीटर। ओके, थर्ड, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट गिवन है P इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁵ कूलम मीटर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मेकिंग एंगल 30 डिग्री। तो क्या निकालना है, डिटरमाइन द टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पी 4 × 10⁻⁵ ई 10⁻³ इंटू साइन 30 डिग्री। तो ये आ गया 4 × 10⁻⁸/2। तो ये आ गया 2 × 10⁻⁸ न्यूटन मीटर। ठीक है, फोर्थ न्यूमेरिकल, द इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट पी गिवन है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई है मेरे पास 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पी ई
30 डिग्री, तो ये आ गया 20 × 10⁻⁹ − 9 − 3/2, 10 × 10⁻¹² न्यूटन मीटर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन। अ डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस हम 2a लेंगे, कितना है 4 × 10⁻¹⁰ m। ये टोटल डिस्टेंस है। सिचुएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई है मेरे पास 3 × 10⁵ N/C एट एन एंगल 30 डिग्री। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क एक्टिंग इफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, क्यू गिवन है 1.602 × 10⁻¹⁹ N/C। ठीक है, तो हमने पी निकालना है, तो पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। क्यू कितना है मेरे पास 1.602 × 10⁻¹⁹। 2a कितना है 4 × 10⁻¹⁰। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये हमारा आ जाएगा 1.602 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 1.602 × 4, कितना आ गया 6.408 × 10⁻¹⁹, और ये −10 मीन्स 6.408 × 10⁻¹⁹ पी निकाला हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे कूलोमीटर, अब पी आ गया, तो अब टाओ आ जाएगा, टाओ इज इक्वल्स टू PE sin थीटा। पी अभी निकाला हमने 6.408 × 10⁻¹⁹, ये ई हमारे पास है 3 × 10⁵ × sin 30 मीन्स 1/2, तो टाओ मेरे पास आ गया 6.408 × 3 19.224 डिवाइडेड बाय 2 9.612 × 10⁻¹⁹ तो 9.612 × 10⁻¹⁴ न्यूटन मीटर। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री, थीटा है 30 डिग्री, विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई है मेरे पास 3 × 10⁴ N/C। एक्सपीरियंस टॉर्क टाउ कितनी है 27 × 10⁻¹⁶ N/m। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट, पी निकालना है, तो टाउ इज इक्वल्स टू PE sin थीटा, तो पी इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन E sin थीटा। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा टाउ 27 × 10⁻¹⁶ बाई ई 3 × 10⁴ × 1/2, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे 27 54 बाई 3 × 10⁻¹⁶ −4, तो 54 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया मेरे पास 118 18 × 10⁻¹⁰ न्यूटन मीटर। ठीक है, सॉरी कूलम मीटर। ओके, तो नेक्स्ट आता है मेरे पास सेवंथ क्वेश्चन। तो सेवंथ क्वेश्चन में मेरे पास द इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट 60 डिग्री। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एंगल 60 है, विद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई है मेरे पास 4 × 10⁵ N/C। एक्सपीरियंस टॉर्क इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू 8√3 × 10⁻¹⁵ N/m। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द डाइपोल, क्यों निकालना हमने,
इफ डाइपोल लेंथ 2a कितना है 4 सेंटीमीटर, तो इसके मीटर बना लेने हैं, 4 × 10⁻²⁻ मीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमने क्यू निकालना है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, बट पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू टू ए, तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, टाउ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू टू ए इंटू ई साइन थीटा, तो क्यू कितना आ गया मेरे पास, टाउ टू ए ई साइन थीटा। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो जब मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो आएगा टाउ की वैल्यू पुट करूंगा 8√3 इंटू 10⁻⁵ बाय 2a, मेरे पास कितना है 4 × 10⁻²⁻ ये 2 आ गया, इंटू ई 4 × 10⁻⁵ इंटू साइन थीटा, साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, साइन 60 डिग्री 0.866, तो ये भी हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो ये मैं 2 × 0.866 ये मेरे पास आ जाता है 2 × 0.866 1.732, तो ये 1.732 ये दोनों 1.732 आ गए, ये इससे कट गए, तो ये आ गया 10⁻⁵ प्लस 2 − 5, तो −5 − 5 कट गया 10⁻²⁻ कूलम। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻²⁻ मीटर। ठीक है, व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई इज इक्वल्स टू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम, इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क टाउ मैक्सिमम कितने पे, 0.2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। अब स्टूडेंट टाउ मैक्सिमम का थीटा होता है 90, ठीक है, क्योंकि साइन मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, क्यू निकालना हमने, तो क्यू का हम पीछे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू इज इक्वल्स टू टाउ इंटू पी ई टू ए ई साइन 90 डिग्री, तो टाउ कितना मेरे पास 0.2 × 10⁻³⁻ बाय 2a कितना था 2 × 10⁻²⁻ इंटू ई था 10⁻⁵ टू 1, तो q कितना आ गया, यहां से मैं लिख लेता हूं 2/2 × 10 × 10⁻³⁻ प्लस 2 − 5, ये 1 है पावर, ये ऊपर जाके −1, तो ये कितना आ गया −5 − 8 − 9 + 2 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है,